टेंगर नर्सिंग एकेडमी आज मैं आपके लिए फिर यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि GPSSB स्टाफ नर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। जी हाँ, ये ही अपडेट अभी की आप देख पा रहे होंगे कि BSc नर्सिंग और JNM दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहेगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी पूरी अपडेट, तो बने रही वीडियो के एंड तक। ठीक है, इसे मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, लास्ट डेट का क्या होने वाला है एंड ऑल डिटेल, तो बने रही वीडियो के एंड तक। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करना है ताकि जितनी भी न्यू अपडेट हो आप तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल पर चाहे वो एम्स की वैकेंसी हो या फिर CHO की वैकेंसी हो या फिर ESIC की वैकेंसी हो, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं पूरे डिटेल की ओर। देख पा रहे हैं पोस्ट का नाम जो रहेगा, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, टोटल 153 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें कि इसकी ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हो, ये रही इसकी ऑफिशियल साइट, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें GNM और BSc नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिटेशन जो है यहाँ पे 41 ईयर्स दिया गया है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फीस के बारे में मैं नोटिफिकेशन से आपको बताऊँगी। पेमेंट की बात करें तो 21,000 पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर सलेक्शन की बात करें तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल साइट पर जाना है। साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर उसके फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना है, और फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करना है। डॉक्यूमेंट में आपके 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, आपका डिग्री या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये सब करके आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, आपको अटैच करके और फॉर्म को फिलअप कर देना है। लास्ट डेट की बात करें तो 27 जनवरी को इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी। अब इसकी जो ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे होंगे, ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसका दिया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। ये रही, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसकी यहाँ से आप उसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप यहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसके कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको बस इंटरव्यू देना है और फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।